गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पूर्व की क्लास में एसपी हाइब्रिडाइजेशन को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया था अपन ने, और उसकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ा था। इस क्लास के अंदर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन में एक तो एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और दो ही पी ऑर्बिटल। इस प्रकार से टोटल कितने न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तीन न्यू ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप कैसा होता है, एक जैसा होता है। इस प्रकार से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, एसपी टू। मतलब इसको यू कह सकते हैं अपन कि वन एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट एंड एक्सचेंज देयर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कितने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये है दो ये है, तो टोटल कितने बनेंगे, तीन न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो बी एफ थ्री के अंदर सेंट्रल जो एटम है वो सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरोन है। अब बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट जो बोरोन की है, ग्राउंड स्टेट ये इस प्रकार से 2s ऑर्बिटल जो वन टाइप्स का होता है और p ऑर्बिटल जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, px py और pz, ये 2p ऑर्बिटल है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, एक अप स्पाइन एक डाउन स्पाइन। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्रकार से टोटल तीन इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जो बी एफ थ्री है, इस बी से कितने F जुड़े हुए हैं, तीन F जुड़े हुए हैं, और तीन बॉन्ड बनाने पड़ेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए। जबकि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो किस फॉर्म में, पेयर फॉर्म में, और ये अनपेयर है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑनली फॉर कितना है, एक है। और अपन ने बताया था कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो कौन सी अवस्था आती है, एक्साइटेड स्टेट आती है। तो ये इस प्रकार से बोरोन की कौन सी अवस्था आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2s जो ऑर्बिटल है उस 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाएगा, 2p में ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, पास वाले ऑर्बिटल में। इस प्रकार से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक दो और तीन, और बॉन्ड भी कितने बनाने, तीन। तो ये तीनों ऑर्बिटल जो मिलके इसका फॉर्मेशन करेंगे, एस कितना, एक है, और पी कितने, दो है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसकी ज्योमेट्री को अगर देखें तो किस प्रकार से, देखो ये बी है बोरॉन सेंट्रल एटम, इसके पास कितने sp2 ऑर्बिटल है, तीन sp2 ऑर्बिटल है, ये एक sp2 ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 ऑर्बिटल, और ये तीसरा sp2 ऑर्बिटल, ये भी sp2 है, ये भी sp2, और ये भी sp2, और प्रत्येक के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसके साथ ओवरलैपिंग कौन करेंगे, फ्लोरीन, और फ्लोरीन का कौन सा कक्षक पार्टिसिपेट करता है, 2s2 2p5, तो बाहर वाला कौन सा कक्षक, 2p ऑर्बिटल जो है वो उसके साथ ओवरलैपिंग करता है, ये फ्लोरीन है। इस फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल इसका फ्लोरीन का, जिसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा फ्लोरीन, इसका 2p ऑर्बिटल, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा,
ये सिग्मा बॉन्ड, और इसी प्रकार से तीसरा जो है 2p ऑर्बिटल किसका, फ्लोरीन का, और यहां पर भी किसका निर्माण हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल होता है, ये कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री। तीनों जो बॉन्ड है वो 120 डिग्री के एंगल पर उपस्थित होते हैं। इसकी चरचना को यूं भी बना सकते हैं, बी एक एफ, दूसरा एफ, और ये तीसरा है बी एफ थ्री। ज्योमेट्री को किस नाम से जाना जाता है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को किस नाम से जाना जाएगा, अगर इसको मिलाते अपन, ये इसको अगर मिला दे तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है, बॉन्ड एंगल इज इक्वल 120 डिग्री। तो इस प्रकार से sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइंगुलर प्लेनर होती है, और sp2 के अंदर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। थैंक यू।